काव्या के प्रीता को बार बार माँ कहने पर वरुण देगा काव्या को प्रीता को जान से मारने की धमकी। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब पृथ्वी की माँ काव्या को जोर से थप्पड़ मारेगी और काव्या पृथ्वी की माँ को कहेगी कि आप है कौन और मुझे मारा क्यों, तभी यह सुनकर वरुण को गुस्सा आ जाएगा और वरुण तभी गुस्से से काव्या के पास जाएगा और काव्या को कहेगा कि काव्या ये और कोई नहीं बल्कि मेरी नीना है और दूसरी बार इनसे ऊंची आवाज में बात मत करना, ये जो तुम अभी बार बार प्रीता माँ कर रही थी तो ये बार बार प्रीता को माँ माँ कहना बंद कर दो वरना मैं सच में कह रहा हूँ कि मैं अभी के अभी प्रीता को जान से मार दूंगा। जैसा सुनकर तभी काव्या को काफी बड़ा झटका लगेगा। यहाँ पर जब वरुण काव्या को कहेगा कि इसलिए काव्या मैं कह रहा हूँ चुपचाप पहले मेरे साथ शादी करो और मुझे मेरा प्रॉमिस याद है और मैं मेरा प्रॉमिस कभी तोड़ता नहीं हूँ, इसलिए जैसे ही हमारी शादी हो जाएगी वैसे ही मैं प्रीता को उसके केबिन से बाहर निकाल दूंगा और तुम्हारी प्रीता माँ बच जाएगी। जैसा सुनकर तभी काव्या ना चाहते हुए वरुण के साथ शादी करने के लिए बैठ जाएगी और ये सब देखकर पृथ्वी की माँ बहुत ज्यादा खुश होगी। यहाँ पर जब वरुण पंडित जी को कहेगा कि पंडित जी अब जल्द से जल्द मंत्र पढ़िए और हमारी शादी को जल्द से जल्द संपन्न करिए, तभी यह सुनकर पंडित जी मंत्र पढ़ने लगेंगे। यहाँ पर पंडित लंबे लंबे मंत्र पढ़ रहा होगा और थोड़ी सी ज्यादा देर होगी तभी वरुण गुस्से से पंडित जी को कहेगा कि ऐ पंडित क्यों इतना धीरे धीरे मंत्र पढ़ रहा है, थोड़ा जल्दी से पढ़ और फेरे शुरू कर, ये शादी मेरी आज के आज काव्या के साथ होनी चाहिए। यह पंडित को कहते हुए वरुण काव्या के सामने देखकर कहेगा क्यों है ना काव्या, ये तो तुम्हारे लिए अच्छा ही है कि जितनी जल्दी शादी हमारी होगी उतनी जल्दी मैं तुम्हारी प्रीता माँ को उस केबिन से बाहर निकाल दूंगा और तुम्हारी माँ सुरक्षित बच जाएगी और अगर पंडित जी ने लेट किया तो तुम्हारी माँ प्रीता की जान भी जा सकती है। जैसा सुनकर तभी काव्या को काफी बड़ा झटका लगेगा। यहाँ पर पंडित मंत्र पढ़ेगा और बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, तभी काव्या अपने मन में कहेगी नहीं नहीं मैं इस तरह वरुण के भरोसे नहीं रह सकती हूँ, ये डेफिनेटली पक्का मेरी प्रीता माँ को जान से मारने पर तुला है और मेरी प्रीता माँ को ये मार ही देगा, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। यहाँ पर पंडित जी वर वधु यानी कि काव्या वरुण को कहेंगे कि खड़े हो जाइए आपके साथ फेरे लेने का समय आ चुका है। तभी यह सुनकर जब काव्या वरुण के साथ साथ फेरे लेने के लिए खड़ी होगी तभी काव्या अपनी माँ प्रीता को बचाने के लिए जोर से वरुण का हाथ छोड़ देगी और वरुण को जोर से धक्का मार देगी और काव्या वहाँ से दौड़कर चली जाएगी। यहाँ पर काव्या कोल्ड स्टोरेज एरिया में अपनी माँ प्रीता को ढूंढने के लिए जाएगी और काव्या की प्रीता माँ दूसरे कोल्ड स्टोरेज एरिया में मिलेगी। तभी काव्या अपनी माँ प्रीता को बचाने के लिए बर्फीला केबिन खोल देगी और प्रीता को कोल्ड स्टोरेज रूम में से बाहर निकाल देगी। यहाँ पर जैसे ही काव्या प्रीता के साथ से चेक करेगी तभी प्रीता के साथ से चलती होगी जिसे महसूस करके काव्या की जान में जान आ जाएगी। यहाँ पर तभी गुस्से से वरुण काव्या के पास आएगा और काव्या को कहेगा कि काव्या अब तुमने ये सही नहीं किया, हमारी शादी के साथ फेरे होने ही वाले थे लेकिन तुम होके एंड मौके पर अपनी माँ प्रीता को बचाने के लिए चली ही गई, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा काव्या, ये कहकर वरुण तभी काव्या को जोर से थप्पड़ मार देगा। यहाँ पर तभी प्रीता को होश आ जाएगा और होश आते ही प्रीता अपनी बेटी काव्या को जख्मी देख वरुण को मारने लगेगी और प्रीता अपनी बेटी काव्या के लिए माँ दुर्गा उतार लेगी। आप ये सब आने वाले एपिसोड में देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए क्या नहीं और काव्या की शादी वरुण के साथ होनी चाहिए क्या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।